हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अपने YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड कैसे करेंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको भी अपने प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड करना नहीं आते हैं तो फ्रेंड, बिना स्किप किए हुए हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड, सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद फ्रेंड सर्च बार में टाइप करेंगे youtube.com। youtube.com लिखने के बाद फ्रेंड इसे हम सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद फ्रेंड कुछ इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो फ्रेंड नीचे में लिखा रहेगा YouTube स्टूडियो के ऑप्शन, तो फ्रेंड इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड कुछ इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो फ्रेंड दाएं की तरफ 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो फ्रेंड इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड नीचे में डेस्कटॉप साइज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपका चैनल यहाँ पर खुल के ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड बाएं के तरफ में यहाँ पे 3 लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, और फ्रेंड छोटा सा आइकन वीडियो का आइकन मिल जाएगा, तो फ्रेंड इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो फ्रेंड दाएं के तरफ में आपका प्रोफाइल के नीचे में फ्रेंड यहाँ पे न्यू प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो फ्रेंड इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड ऊपर में लिखा के आ रहा है ऐड टाइटल नेम का ऑप्शन, तो फ्रेंड आप प्लेलिस्ट का जो भी नाम देना चाहते हो फ्रेंड इसमें अपना नाम डाल दीजिएगा। तो फ्रेंड जैसे मेरा ये गेमिंग चैनल है, तो फ्रेंड गेमिंग से संबंधित इसमें कुछ टाइटल लिख देता हूँ। टाइटल लिखने के बाद फ्रेंड नीचे में पब्लिक का ऑप्शन मिल जाएगा। फ्रेंड अगर आप पब्लिक में रखना चाहते हो तो फ्रेंड पब्लिक में रख सकते हो, या फ्रेंड आप प्राइवेट में रखना चाहते हो तो अपने प्राइवेट में रख सकते हो। तो फ्रेंड चलिए मैं इसे पब्लिक में रखना चाहता हूँ, तो फ्रेंड यहाँ पब्लिक पर क्लिक कर देंगे। पब्लिक पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड नीचे में क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो फ्रेंड इस पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जो ये प्लेलिस्ट बनाया हूँ फ्रेंड, ये पूरी तरह से बन के कम्प्लीट हो गया है। तो फ्रेंड यहाँ से वीडियो ऐड नहीं हो सकता है, इसके लिए फ्रेंड आपको YouTube में जाना होगा। तो फ्रेंड चलिए मैं यहाँ से YouTube को ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले अपने YouTube को ओपन कर लेंगे। YouTube को ओपन करने के बाद फ्रेंड कुछ इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे नीचे में दाएँ तरफ लाइब्रेरी का ऑप्शन रहेगा, तो फ्रेंड इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड सबसे ऊपर में हिस्ट्री का ऑप्शन आ जाएगा, और फ्रेंड दूसरे नंबर पे योर वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, तो फ्रेंड इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपका सारे के सारे वीडियो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो फ्रेंड आप जिस वीडियो को अपने प्ले लिस्ट में ऐड करना चाहते हो तो फ्रेंड उस वीडियो के दाएँ तरफ 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो फ्रेंड सबसे ऊपर में लिखा रहेगा सेव टू प्लेलिस्ट का ऑप्शन, तो फ्रेंड इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो फ्रेंड अगर आप नया प्लेलिस्ट बनाना चाहते तो फ्रेंड यहाँ पर न्यू प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करके फ्रेंड अपना नया प्लेलिस्ट बना सकते हो, या फ्रेंड आप जो प्लेलिस्ट पहले बनाए हो फ्रेंड उसमें डालना, तो फ्रेंड आप जो भी प्लेलिस्ट का नाम दिए होंगे फ्रेंड यहाँ पर शो करता होगा। तो फ्रेंड नीचे में मैं प्लेलिस्ट का नाम दिया था बेस्ट गेमिंग का ऑप्शन, तो फ्रेंड इस पर टिक लगा देंगे, और टिक लगाने के बाद फ्रेंड नीचे में डन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड ये मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड हो गया होगा। और फ्रेंड अगर आप दूसरा वीडियो भी इस प्रकार से प्लेलिस्ट में ऐड करना चाहते हो तो फ्रेंड वीडियो के दाएं तरफ में 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करके और फ्रेंड सबसे ऊपर में सेव टू प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे। और फ्रेंड आप अपना प्लेलिस्ट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, और फ्रेंड नीचे में डन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड इस प्रकार से अपने वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।